देश में चुनाव करीब है, ऐसे में बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। उधर पार्टी ने ऐसे नेताओं पर लगाम कसना शुरू कर दी है जो पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान दे रहे हैं। उधर बीजेपी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। देखिए, बीजेपी दफ्तर में आला नेताओं की अलग अलग मोर्चे के साथ बैठक हुई है। बैठक के दौरान कई मुद्दे सामने आए हैं, खासकर अनुशासन को लेकर पार्टी ने सख्त रवैया अपना लिया है। गुटबाजी को लेकर गुना सांसद केपी यादव को फटकार लगी है, तो वहीं इमरती देवी को पार्टी ने तलब किया है। वहीं सागर महापौर के पति सुशील तिवारी को भी बयानबाजी मामले में नोटिस थमाया गया है। सुशील ने वीडी शर्मा के खिलाफ पोस्ट किया था। सागर सांसद राजबहादुर सिंह ने इशारों में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आए कार्यकर्ताओं को लेकर शिकायत की और आरोप लगाया कि ये लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज ही मैंने कुछ नामों को उनको बताया है कि ये पार्टी के खिलाफ जाके लिख रहे हैं, व्यक्ति हमारे संगठन के जो प्रमुख लोग हैं उनके खिलाफ लिख रहे हैं, और ऐसे वही सब लोग हैं जो जिनकी एंट्री अभी एक दो साल के बीच। बीजेपी में अनुशासन को लेकर चल रही कवायद पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पीसी शर्मा ने बीजेपी में गुटबाजी चरम पर होने के आरोप लगाए। कुछ दिन पहले सागर जिले का मामला सामने आया था, वहाँ महाकौशल का मामला पहले चल रहा है, इसके बाद जो ग्वालियर चंबल उसमें रोज नए मामले आ रहे हैं, जहाँ जो मंत्री सिंधिया के साथ गए उनका लगातार कोई एसपी नहीं आ रहा है, तो वे सब अपमानित हो रहे हैं। कुल मिला के महा एक द्वंद्व चला हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, घमासान चली हुई है। ये उसी की परिणति है कि गृह मंत्री जब जाते हैं मिलने तो बुके लेके जा रहे हैं। चुनावों के समय टिकटों को लेकर रस्साकशी कोई नई बात नहीं है। नेताओं की नाराजगी और प्रेशर पॉलिटिक्स एक रणनीति का हिस्सा होती है, लेकिन कई बार ये पार्टी को नुकसान पहुंचा देती है। सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने एक दूसरे पर ट्वीट कर हमला किया है। सिंधिया ने बुरहानपुर की घटना को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करना उनकी पुरानी आदत है। राजा साहेब अहंकार त्याग कर लोगों को सम्मान देना सीखें। वहीं सिंधिया के ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया और लिखा, आपके सीख के लिए धन्यवाद महाराज। दरअसल बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान दिग्विजय सिंह ने अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अबरार साहब को मंच से उतार दिया था। इसे लेकर अबरार साहब ने नाराजगी जताई थी, साथ ही अपमान करार दिया था।